अभी तक आपके अकाउंट में 3 फिल्में हैं, एक सुपर हिट, एक एवरेज और एक सुपर फ्लॉप, तो इसे आप अपने कैरियर को कहाँ पाते हैं? सर सुपर हिट हुई तो मेरी वजह से नहीं हुई, सुपर फ्लॉप हुई तो मेरी वजह से नहीं हुई। तो मैं जो समझता हूँ कि एज एन एक्टर आप मुझे कुछ बोल सकते हैं कि आप बुरे हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, मगर फिल्म चली ना चली उसमें एक एक्टर को इतना ही इफेक्ट कर सकती है कि आपके चाहने वाले कुछ कम हो जाते हैं और अगर हिट हो जाती है तो चाहने वाले कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। मगर अगर एक्टर अच्छा है और एक्टर है तो उसको कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। सर हो सकता है अगर घूंघट हिट हो जाती तो ये भी तो हो सकता था कि घूंघट हिट होने के बावजूद भी मुझे क्रेडिट ना मिलता, मुझे उतनी फिल्में ना मिलती। एक पिक्चर जब हिट होती है तो सबकी निकल पड़ती है, चाहे वो हीरोइन बेस्ड हो, चाहे हीरो बेस्ड हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हीरो पिक्चर का हीरो आप ही कहलाते हैं। सर ये बात सच है कि जब एक फिल्म चलती है तो हीरो को बहुत ज़्यादा फायदा होता है और मुझे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है, मगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई लाइफ में, मतलब घूंघट के रिलीज़ के टाइम में मेरा एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी फिल्में जो मुझे मिलने वाली थी, जो मैं अगर कोशिश करता जो मुझे मिलने वाली थी वो मिल जाती मुझे, मगर बिकॉज ऑफ माई एक्सीडेंट वो सब फिल्में चली गई हाथ से। और जब घूंघट एक बार थोड़ी वॉश आउट हो गई तब और ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, मगर आई डोंट थिंक सो कि इससे मेरे करियर को कोई नुकसान या फ़ायदा होगा। एक तरफ आपके घूंघट नहीं चली, दूसरी तरफ आपका एक्सीडेंट हो गया, देखिए सर आप जहाँ तक मेरे साथ रहा है, मुझे जितने लोग मतलब मेरे इस बुरे वक्त में मुझे मिलने आए या जिन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया उन्होंने कि सब कुछ खो गया है मेरा। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि अभी भी चांस है, यू जस्ट गेट वेल एंड यू कैन मेक इट। तो वो एक फीलिंग दिल में कि यस देर आर सम पीपल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग हैं, ये तो 100% है कि इस बुरे वक्त में सब लोग तो साथ नहीं देते हैं, सब लोग आधे तक तो मतलब अधिकतर चले जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी साथ देते हैं। और अच्छे हो चुके हो तो तुम्हें कैसा वेलकम मिल रहा है? सर अभी जब मैं ठीक हो रहा हूँ और मैं ठीक हो चुका हूँ, जबकि मैं बोल सकता हूँ कि आज मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं शूटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वेलकम ऐसा है कि लोगों को उम्मीद थी शायद कि ये लड़का वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा ओह माय गॉड यू आर बैक, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स लाइक आओ इंदर, जैसे नॉर्मल मुझसे मिलते थे, आज थोड़ा ज़्यादा प्यार से मिल रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिनों बाद में आ रहा हूँ। सो इट्स लाइक मुझे काफ़ी लोगों ने ये सवाल किया कि जब तुम गिर रहे थे तो कैसा लगा, मैंने कहा कि ऐसा लगा जो कभी आपको नहीं लग सकता है, वो मुझे ही लगा क्योंकि कुछ दो सेकंड में जो हवा में मैं उड़ रहा था और उड़ने के बाद ज़मीन पर जो मैं गिरा तो जो एक बैंग की आवाज़ थी वो मतलब हमेशा रहेगी ज़िंदगी में। सो इट्स ब्यूटीफुल, बट आपका जो सीन अधूरा रहा है एक्सीडेंट से, क्या वो सीन फिर से आप? डेफिनेटली आई विल डू इट, डेफिनेटली, बिकॉज वो कंप्लीट नहीं हुआ है सीन, वो आज सीन कंप्लीट नहीं हुआ, वो बाकी है। और सर आप एक बात बताइए कि वो सीन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं उसको आधे यानी इतना सब कुछ होने के बाद मैं उसे छोड़ दूँ तो क्या हुआ? 100% रखता हूँ, भगवान साथ देगा तो मैं ज़रूर छोड़ूंगा। देखिए सर देखिए अगर मेरे एक्सीडेंट से कई लोग बर्बाद हो सकते हैं तो मेरा वो स्टंट करने से कई लोग आबाद भी हो सकते हैं, ये नहीं है कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ वो सब, अकेला सारा क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा, अकेला सिर्फ मेरा ही पेट नहीं भरेगा, ये हो सकता है कि मेरी वो फिल्म चलेगी लोगों को। मैं ये नहीं मानता हूँ कि एक स्टंट पे, मैं इस बात को पूरी तरह से मानता हूँ कि एक स्टंट पे कभी फिल्म नहीं चलती है, मगर यस देयर इज समथिंग, मतलब आपको ऑडियंस को कुछ नया करके दिखाना है। ये सीन जो दे रहे थे आप कैसे इंस्पायर हुए थे? मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मैं अक्षय से इंस्पायर हुआ इस सीन के लिए, मगर हाँ एक बात ज़रूर थी कि मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, आई रिस्पेक्ट अक्षय फॉर दिस, कि वो जो भी कुछ करता है वो रियल हीरो की तरह करता है। आप हीरो अपने आप को कहलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको हीरो बोलें, तो आप कुछ ऐसा करके दिखाओ कि आप हीरो जैसा काम तो करके दिखाओ। सो इट्स लाइक वेरी नॉर्मल वेन यू आस्किंग कि आप मुझे हीरो बोलिए, आप मुझे प्यार कीजिए, आप मुझसे मोहब्बत कीजिए, तो आप में वो ताकत होनी चाहिए, आप में वो हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं हीरो जैसा काम कर सकता हूँ। सो आई ऑलवेज रिस्पेक्ट अकी फॉर दिस एंड आई ऑलवेज आई डोंट माइंड, मैं ठीक हो जाऊँगा भगवान ने चाहे बहुत जल्दी,
एंड आई डेफिनेटली डू ऑल दिस थिंग्स अगेन.